हेलो, जय बाबा की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर मंदिर में हमारी प्रॉपर तरीके से पूजा हो चुकी है और हर एकादशी से पहले हम अपना मंदिर ज़रूर क्लीन करते हैं। तो हमने मंदिर और घर भी थोड़ा क्लीन करते हैं, एक्स्ट्रा क्लीन, वैसे तो क्लीन रहता ही है। तो कल हमने पूरे घर की भी क्लीनिंग करी थी और मंदिर भी साफ़ किया था। तो यहाँ पर मंदिर में मेरी प्रॉपर पूजा हो चुकी है। पूजा यानी मतलब तैयारी हो गई है, भोग चढ़ा दिया है, दीपक जला दिया, फूल चढ़ा दिए, बाकी सब कुछ कर दिया है, टीका वगैरह लगा दिया है, धूप बत्ती भी लगा दी है, सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पर चल रहा है हमारे कन्हैया जी का स्नान। तो अब हमारे कन्हैया जी जो है स्नान करेंगे, तो तीनों लोग बैठे हैं स्नान के इंतज़ार में। तो पूजा की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर हमने उनके स्नान की तैयारी कर ली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि आजकल कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में हमें अपनी स्किन का ख्याल और ज़्यादा अच्छे से रखना पड़ता है। तो सभी लोगों को पता है कि गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी लगाना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आजकल मैं अपनी स्किन को हेल्दी और फ्रेश रखने के लिए ममाअर्थ का मुल्तानी मिट्टी का फेस वॉश और फेस पैक लगा रही हूँ। इसमें है मुल्तानी मिट्टी और बल्गेरियन रोज। ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब नेचुरल होते हैं, इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है और ममाअर्थ के प्रोडक्ट सभी डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं। और ममाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है, इसीलिए ये मेरा फेवरेट है। सबसे पहले फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। इस फेस वॉश और फेस पैक की खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको लगाने के बाद स्किन में बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। फेस वॉश करने के बाद फेस को अच्छे से ड्राई करके अब मैं लगाऊंगी ये ममाअर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। इसको पूरे फेस पर अच्छे से लगाना है और इसको गर्दन में भी लगाऊंगी। और इसको 15 मिनट के बाद जब ये सूख जाएगा तो अच्छे पानी से इसको धुल लूंगी। देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी अच्छी और फ्रेश लग रही है। अगर आप भी इन प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और साथ में एक कूपन कोड भी दे दिया है। इसको आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा पूरे 20% का ऑफ ममाअर्थ की साइट से इनको खरीदने पर। साथ ही ये प्रोडक्ट आप अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट पर से भी खरीद सकते हैं। और ममाअर्थ ने अपनी एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की है, जिससे आप सेल्स, डिस्काउंट और ऑफर की जानकारी भी ले सकते हैं और वहां से आसानी से शॉपिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही एक गुड न्यूज ये है कि ममाअर्थ के प्रोडक्ट अब ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं, तो आप अपने पास के स्टोर से जाकर इनको आप खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। एकादशी के दिन हम अपने कन्हैया जी को विशेष तरीके से स्नान कराते हैं और कैसे कराते हैं आप लोगों को अगर जानना है तो आप लोग जरूर कमेंट करना। तो ये है उनके स्नान की थाली जो हमने एकदम से पूरी प्रॉपर तैयार कर ली है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें सभी चीज़ें हैं, फूल हैं और गंगा जल है, दूध है, दही है और जल है, शहद है, फूल हैं और एक फल भी रखा है। तो यहाँ पर उनके स्नान की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये बैठे हैं मेरे कान्हा जी। तो सब लोग एक बार प्यार से बोल दो, राधे 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 राधे। तो चलिए फटाफट से स्नान करा के कन्हैया जी को तैयार करते हैं, उसके बाद मेरा जो पाठ वगैरह रहता है तो वो सब हम करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो यहाँ पर एकादशी की मेरी पूरी पूजा हो चुकी है और यहाँ पर चली गई है लाइट। और लाइट क्यों गई अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसीलिए जो है मेरे कन्हैया जी आप लोगों को ज़्यादा साफ साफ नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम पास से दिखा दे रहे हैं। तो आज हमने उनका तो ये हमने कैमरे की लाइट ऑन कर ली है। अब आप लोग देख सकते हैं अच्छे से कि मेरे कन्हैया जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज हमने इनका विशेष स्नान किया कराया था, इनको विशेष स्नान भी कराया था। तो आज हमने इनको अलग से और विशेष स्नान कराया है और विशेष इनका श्रृंगार किया है। और जो है ज्वेलरी भी थोड़ी हैवी सी पहनाई है। ये वाली इनकी जो ज्वेलरी है ये थोड़ी सी भारी है, तो डेली में इनको नहीं पहनाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो परेशान हो जाएंगे गर्मी की वजह से।
और ये रखी है इनके श्री चरणों में मेरी तुलसी माला। तो किसी कारणवश हमें अपनी तुलसी माला एक दो दिन के लिए गले से निकालनी पड़ी थी, तो आज फिर हम पहनेंगे तुलसी माला। तो हमने गंगा जल से धुल के और भगवान जी के श्री चरणों में रख दी है। वैसे तो तुलसी माला पहन के जो है गले से एक भी दिन के लिए नहीं निकाली जाती है, लेकिन कभी कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि एक महाराज जी हैं उनके हमने बहुत सारे वीडियो इसी बात के ऊपर देख लिए थे। तो संत लोगों को ज़्यादा ज्ञान होता है, तो हम लोगों को जो बात नहीं समझ में आती और नहीं पता होती है तो हम अपने से बड़े और जो संत हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं तो उन्हीं से हम लोग जो है पूछते हैं, ज्ञान लेते हैं। तो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, तो बस ये आज जो है एकादशी है तो आज फिर हम इसको पहन लेंगे। और इधर ये मेरा मंदिर है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरे कन्हैया जी आप लोगों को कैसे लगे। और चलिए एक बार मौसम दिखाते हैं आप लोगों को आज फिर से कैसा हुआ है। लोग देख सकते हैं मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है। और अभी जब हम पूजा कर रहे थे तो हो रही थी झमाझम वाली बारिश, तो बारिश हो चुकी है, बंद हो गई है, सड़क पे थोड़ा थोड़ा पानी भरा है, लेकिन अभी भी अब फिर से बारिश होने लगी, दोबारा से बारिश होने लगी। और बादल आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा वाला बादल है, काला काला, तो बड़ा अच्छा लगता है। जब पूजा करो और मौसम भी अच्छा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बारिश की वजह से मेरी ये थाली जो है यहाँ पर तैयार रखी है नीचे मंदिर जाने के लिए, तो अभी तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो दिया वगैरह जल नहीं पाएगा। तो देखते हैं, आज तो मेरे पूरे दिन का व्रत है, किसी भी टाइम जो है बारिश जब बंद होगी तो शाम के टाइम पूजा कराएंगे। तो कई लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा था कि आपके कन्हैया जी कितने कितने बड़े हैं, तो मेरे कन्हैया जी हैं 6 नंबर के और इनकी निछार है 1100 रुपये की। तो ये दो कमेंट हमें आए थे और हमें आप लोगों के साथ शेयर करना था, लेकिन कुछ ज़्यादा वीडियो भी नहीं बन पाए और जो है कुछ दिमाग से भी स्लिप हो जाता था, तो हमने सोचा कि आज की वीडियो में हम बता देते हैं। और ये गाय माता कितनी क्यूट लग रही है, कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ये दिव्या और नन्नू जब वहाँ गए थे खाटू श्याम तो वहाँ से लाए थे, और वैसे भी मेरा गाय लेने को बहुत मन था, क्योंकि कन्हैया जी को गाय है, मोर है, वैसे तो सभी उन्हें बहुत प्रिय है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनसे उन्हें विशेष लगाव है। तो यहाँ पर फिर बाद में हम एक और छोटी सी जो है गौ माता ले आए थे और कुछ जो है टॉयज ले आए थे, खिलौने, तो ये रखे हैं उनके।